तो उसके बाद ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो कीजिए आपका डाउट है, ये भी देख लीजिए एक बार शांति से, ये भी देख लीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ लीजिए आपने की ये बेटा आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नाइन्थ क्वेश्चन है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। श्रेया जी आपने की आपने किए? ओके मैडम आपने किए? सैम जी बताइए कैसे किया जाए। मैं पहले ब्रैकेट खोल रहे होंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। ओके शाबाश, फिर क्या करें? क्या आप ये बोल रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? मैंने ऐसे करा ए बी ब्रैकेट में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां तक किसी को दुख ले फेरना। ये जो है ना, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये है ये वाला मेथड फैक्टराइजेशन का। कौन सा वाला मेथड? एक बार सिर्फ मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। ये है बेटा टाइप टू वाला ग्रुपिंग जो है ना, ये मैं ग्रुपिंग चेंज कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया मेरी बात? भाई डेढ़ क्वेश्चन है यार, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना? मैं आपका दुख समझता हूँ बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब इसमें फिर क्या करेंगे, ये वाला जो इसको मैं ग्रुप कर दूंगा और इन दोनों का मैं ग्रुप कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? आप जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। मेरी बात समझिए, अभी शायद नहीं समझ आता बट एक बार ऐसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे तो ये समझ आएगा कि क्वेश्चन किए कैसे जाता है। कोई डाउट है? पक्का? तो ए कॉमन लिया मैंने, एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, बी एक्स प्लस ए। अब यहां देखिए चमत्कार देखिए, यहां पर मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, बी, और अंदर क्या रहेगा, बी एक्स प्लस ए। नहीं समझ में आया? चमत्कार दिखा आपको? चमत्कार क्या दिखा? बिल्ली लैपटॉप के ऊपर से जा रही है, मैंने ये चमत्कार दिखा। बिल्ली लैपटॉप के ऊपर से जा रही है, मैंने ये तो बोलिए समझ। बी एक्स प्लस ए जो है बेटा वो कॉमन है। नहीं समझना, टेढ़े क्वेश्चन है यार, चिंता मत करो। बी एक्स प्लस ए जो है ना, ये वाला बी एक्स प्लस ए और ये बी एक्स प्लस ए, ये दोनों कॉमन है। ओके दोनों कॉमन है, नहीं कॉमन है पक्का? तो बी एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस ए जो है वो कॉमन। जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बी एक्स प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी, नहीं कॉमन है, ये फाइनल आंसर है। सुखी जी बोलिए। श्रेया जी आप सर मुझे वाली हो रही है। सैम जी आपने यही किया था? ये जो है मैं आपको फिर से बता दूं, इट इज अ मिक्सचर। समझ आ जाएगा, पेशेंस रखिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कौन सा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, टाइप टू जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, टाइप टू ग्रुपिंग और टाइप थ्री ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये स्प्लिटिंग का मेथड, ये दोनों का मिक्सचर।
चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टेढ़े क्वेश्चंस कम ही आते हैं, आप चिंता मत कीजिए, चैप्टर मत छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आएंगे। और मैं तभी आपको बोला था कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने 5A की उसमें 8-10 क्वेश्चन किए, 5C में भी 8-10 क्वेश्चन किए, तो वही क्वेश्चन कीजिए, इधर उधर मत जाइए। यहां तक कोई दुख क्लेश वेदना? ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए।